ये कुछ नाम लिए, अब हमें क्या करते हैं, इन्हीं को ड्रैग कर देते हैं। तो ये क्या हुए, अलट पुलट के ये सारे वापस आ गए। अब ये नाम लिए हैं, अब हमें इनके नंबर चाहिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं इनकी एज एग्जाम्पल में कुछ सब्जेक्ट, नहीं परसेंट ही ले लेते हैं। एक ले लेते हैं टोटल वाला। सब्जेक्ट ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ रहा है। स्पेलिंग चेक करते रहना। हुए छह, ठीक है यही छह सब्जेक्ट होते हैं 10th में। अब आप इसमें नंबर लोगे, अब नंबर बढ़िया लिखते रहो, इसमें 10, इसमें 5, इसमें 25। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, या आप यहाँ पे इक्वल लगाइए। क्या लिखेंगे, वो हम रेंट का फॉर्मूला लगा देते, उतना याद रख लेना। रेंट इसमें बस क्या लगाना है आपको, बिटवीन। पूरा याद आ रहा है तो पूरा लिख देना कि रेंट बिटवीन, और शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन कर लेना, ठीक है। और नहीं आता है तो उतने में, जब आप रेंट बी लिखते हैं ना, उतने में यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो उस पर डबल क्लिक कर देना। अब इसके बाद आपको लिखना है सबसे कम मार्क्स जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो 20-25 नंबर मिलाते हैं 100 में से, तो अपन लोएस्ट मार्क्स रख देते हैं 20। आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और हाइएस्ट मार्क्स कितने होते हैं, 100 भी लाते हैं बच्चे, तो हम 100 लिख देते हैं यहाँ पे। शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने पे यहाँ पे एक पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन पर यहाँ पे क्लिक करना और इसे नीचे तक ड्रैग कर देना, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देना। अब आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं एक में भी, तो क्या हो रहा है, ये नंबर चेंज होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट तो हर पल बदलेगा। इसलिए क्या करना है हमें, कि आप इसे सिलेक्ट करें पूरे को, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लें, और यहाँ पे कंट्रोल वी से या तो पेस्ट कर दें, या फिर इसके ड्रॉप डाउन में जाकर ये फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक कर दें। अब हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं तो केवल क्या हो रहा है, उसी वैल्यू में चेंज हो रहा है, पूरा रिजल्ट नहीं बदल रहा। अब यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। एक्सेल का फायदा, अब आपको क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। तो अब ये भी हम बहुत टाइम तक प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी हमें फॉर्मूला पता है। इक्वल लगाएंगे, सम का फॉर्मूला लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इतनी मेहनत नहीं करनी हो किसी को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना, एक खाली सेल छोड़ देना, और ये ऑटो सम है इस पे क्लिक कर देना। इसके बाद इसे ड्रैग कर देना। जो इतने सारे बच्चे थे हमारे, कितने सारे थे, उनका 1 सेकंड में तो नंबर निकल आए। वैसे ये नंबर अपन मन से नहीं डालते हैं, जब अपन मिलते हैं बच्चे के आते हैं वही डालते हैं, लेकिन सम जरूर बहुत जल्दी निकल आता है, ठीक है। ड्रैग करके वो अपने आप ही लेते जाते हैं। उसी अंदर से नहीं, मतलब रैंडम नंबर जो होते हैं ना अचानक आने वाले, मतलब वो ले लेते। हमने लास्ट दी थी कि भाई 20-21 तक बच्चा लाएगा, और ज्यादा ज्यादा 100 तक ला सकता है, तो 20-21 से लेके 100 तक इन्होंने मन से नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया है। अब आपका करना, इतने एरिया को सिलेक्ट करना, थोड़ा सा नीचे का हटा देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हो रहा है ना, तो ऊपर का दिखना है। अब हटेगा ना। अब आप क्या करना, इतने को सिलेक्ट करना। अब इतना सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, यानी कि कुछ रूल्स हैं सेल के जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको ये ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला क्या है, ग्रेटर देन। तो अगर आप वो बच्चे निकालना चाहते हैं जो आप में, जैसे आप मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं और आप लैपटॉप बांट रहे हैं, ठीक है, तो
आपको कितने परसेंट वाले बच्चे ढूंढने हैं? 75% वाले। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जितने बच्चों की मतलब परसेंट निकालनी थी वैसे तो, लेकिन निकालने का परसेंट ही निकालते क्योंकि फिर उससे सही रहेगा। यहाँ पे हम परसेंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप परसेंट एनेबल कर देंगे। यहाँ पे पूरे में हम क्या करेंगे, परसेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए इक्वल करेंगे, टोटल जो है उसका डिवाइड कर देंगे 600 से, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स हैं, और एंटर। ये परसेंट निकाला है, फिर आप इसे ड्रैग कर देना। सभी बच्चों की निकल आई अभी। अब आप इतने को सिलेक्ट करना, और अब आप लैपटॉप बांटना। अब हम ग्रेटर देन में जाएंगे और यहाँ पे कितनी परसेंट लिख देंगे, 75, जिसकी तो फिर थोड़ा कम कर देते हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है अपने स्कूल में। 70 तक तो है, 60 कर देते हैं यहाँ पे। और कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आप जो वो बच्चे जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो कितने कौन सा कलर उनमें रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं, ओके कर देंगे। अब ले लिया, यहाँ से आप डेसिमल कम कर लेना। अब आप यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे और यहाँ से जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इतने बच्चे जो थे हमारे 60 से ऊपर वाले परसेंट के थे, तो इससे क्या होगा, आप ऊपर वाले नंबर निकाल सकते हैं। कंट्रोल जेड करके इसी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्या है, ये ग्रेटर देन वाला था। अब ऐसे बच्चे ढूंढने हैं जो बहुत ज्यादा वीक थे, तो ताकि अपन उनके पेरेंट्स को फोन कर सकें कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा या ध्यान दो ऐसा कुछ भी। तो हम कितने, जिनकी परसेंट कितनी हो 50 करीब हो, वो हाईलाइट हो जाए। पर 50 नहीं, सभी थोड़ी यार 25 से कम है।